दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ध्यान की दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं त्राटक। इससे पहले वाली वीडियो में त्राटक इंट्रो में मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया था और मैं आज आपको पहला लेवल बताने वाला हूँ कि त्राटक को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। ये त्राटक जो है आपकी मेमोरी आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई कर देता है, इतना बढ़ा देता है उसको कि आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह जाओगे। और सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की ये होती है कि ये तुरंत रिजल्ट देता है, यानी कि ऑन द स्पॉट। आज से आपने शुरू किया तो समझो आज से ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। ये इतनी ज़बरदस्त तकनीक होती है जिसको बोलते हैं त्राटक। त्राटक का मतलब होता है किसी एक चीज़ को एकटक देखना, किसी भी एक चीज़ को एकटक देखना। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से आँखें खोल करके ध्यान करना, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, देखिए त्राटक के बारे में जिन लोगों ने नहीं सुना है बिल्कुल भी, तो वो पहले मेरी त्राटक की इंट्रो वाली वीडियो देखें। और जिन लोगों ने थोड़ा सा त्राटक के बारे में पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप सिर्फ थोड़ी सी अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप त्राटक को किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं। कैंडल से शुरू कर सकते हैं, बिंदु त्राटक से शुरू कर सकते हैं, मिरर त्राटक कर सकते हैं, चंद्र त्राटक कर सकते हैं, सूर्य त्राटक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ करना है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ करना है और कुछ आगे बढ़ना है, अपनी छुपी हुई क्षमताओं को शक्तियों को जागृत करना है आपको, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको करनी है, या अपने दिमाग की पावर को बहुत हाई लेवल पर आपको यूज़ करना है, तो फिर आपको त्राटक को जो है स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला लेवल मैं उसका आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और मेरा मानना यह है कि जो लोग अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं, या टेलीकिनेसिस करना चाहते हैं, या हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं, या कोई गोल कोई डिजायर अपनी अपनी डिजायर पूरी करना चाहते हैं, तो फिर इस त्राटक को जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसको हर किसी को आज के आज और अभी कभी शुरू कर देना चाहिए। त्राटक के बारे में आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके शायद मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा इसके ऊपर बहुत बड़े एक्सपीरियंस मेरे इसको लेकर के रहे हैं। और आज मेरे बताने से, क्योंकि वीडियो के थ्रू तो मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू तो मैं कई महीनों से बता रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियोज़ मैं डालता हूँ उसके नीचे कमेंट आते हैं, मैं उनको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, वे मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो फिर मैं उनको त्राटक क्रिया बताता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि कम से कम 100 से ज़्यादा लोग इस टाइम पर त्राटक कर रहे हैं मेरे बताने से पहले लेवल को। उसमें से जो है ना 20-30% लोगों पर अभी तक कुछ खास रिजल्ट नहीं आए, लेकिन 70-80% लोगों के ज़बरदस्त रिजल्ट उनको मिल रहे हैं दोस्तों। और कुछ लोग तो इतने हाई लेवल पर पहुँच चुके हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि जो रिजल्ट लोगों को 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में मिलते हैं, वो उन्होंने 20-20 दिन के अंदर गेन किए हैं। कमाल है, उनके लिए तो मैं एक बार ताली बजाना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त और दिल से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं उनको देना चाहूँगा बधाइयाँ सबसे पहले तो। और यूं ही आप तरक्की करते रहें। और कुछ लोगों ने सेकंड लेवल भी स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड। तो अब जिन्होंने नहीं किया है त्राटक को शुरू, मैं उनके लिए बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पेपर, एक वाइट चार्ट पेपर। इस चीज़ को आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे कि मैं, क्योंकि ये वाली चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपको लेना है एक वाइट चार्ट, ठीक है, स्टेशनरी की शॉप से आपको आराम से मिल जाएगा। इसका साइज थोड़ा छोटा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेमो के लिए मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, तो लेकिन आपको साइज लेना है 1.5 बाय 1.5 फीट, यानी कि चार्ट आता है स्टेशनरी से, आपको जो चार्ट आएगा वो काफ़ी बड़ा साइज होता है उसका, तो उसको आपको कट करना है, वो 1.5 फीट यहाँ से होना चाहिए, और 1.5 फीट यहाँ से होना चाहिए, 1.5 यहाँ से होना चाहिए, और 1.5 ही यहाँ से होना चाहिए, यानी कि एक चौकोर पेपर आपको कट करके उसको बना लेना है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ 1.5 बाय 1.5 फीट, ठीक है ना। उसके बाद में आप इसका सेंटर जहाँ पे भी होगा वो ढूंढिए, इसके सेंटर में आपको एक चीज़ अपने हाथों से डिज़ाइन करनी है, ठीक है ना। कोई मुझसे बोलता है सर इसकी कॉपी करा लूँ क्या, कोई बोलता है इंटरनेट से डाउनलोड कर लूँ क्या, कुछ नहीं करना है आपको, अपने हाथों से डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। सिंपली एक कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, कच्ची पेंसिल या नटराज पेंसिल नहीं होती कि जो जिसको रबड़ से मिटा भी लेते हैं बाद में, तो उससे आप उसको बनाएंगे, प्रकार में डाल करके ऐसे घुमाएंगे, एक सर्किल आपको बनाना है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, ये गोला ये देख रहे हैं आप, ये मैंने पेन से अभी बनाया है। यहाँ सेंटर में आप प्रकार को रखेंगे और ऐसे घुमा के एक सर्किल बनाएंगे आप, और उसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, ये होनी चाहिए 3 इंच की, 3 इंच मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है 3 इंच,
ठीक है ओके। तो 3 इंच मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, ये दूरी होनी चाहिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 3 इंच, यानी कि पूरा जो सर्किल है ये जो पूरा गोला है वो 3 इंच का गोला है, ठीक है। इसको आप पूरे को ब्लैक कलर से फिल कर देंगे, ब्लैक कलर से बिल्कुल फिल कर देंगे, पूरा ये ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से पूरा आप इसको ब्लैक कर देंगे, स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन आप लेके आके इसको पूरा ब्लैक कलर का कर देंगे, राइट। तो जब ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा तो ये बन गया है आपकी, तैयार हो गई है एक्सरसाइज लेवल 1 त्राटक लेवल 1, ये आपका रेडी हो गया है। आज से आप इसको सुनना, आज से आप इसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, किन किन चीज़ों से परहेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप, ये आपका रेडी हो गया है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है। और हाँ, ब्लैक कलर के अलावा कोई और कलर यूज नहीं करना है। कुछ लोग मेरे पास में, मैं उनसे बोलता हूँ हमेशा कि आप उसकी पिक्चर खींच के मेरे पास भेज दीजिए ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि ये सही है। कुछ लोग तो इसको आड़ा टेढ़ा बना लेते हैं, उनसे बिल्कुल ठीक ठीक गोल नहीं बन पाता। अगर आपसे नहीं बन पाए तो आप किसी और से बना सकते हैं, लेकिन बनाना हाथों से ही है, प्रिंट वगैरह कुछ नहीं कराना है, ठीक है ना। तो और कुछ लोग मेरे पास भेज देते हैं ब्लू कलर से भर के, कोई रेड भर देगा, बोले सर ये ठीक है क्या। अरे भाई, तुमको बोला मैंने ब्लैक कलर से ही बनाना है, ब्लैक कलर का ही गोला होना चाहिए, ठीक है ना। और पूरे पेपर को गंदा मत कर देना कि इधर तो तुमने ब्लैक बना दिया और इसको गोला बनाने के चक्कर में यहाँ पे पेन चल गया, इधर पेन चल गया, इधर वो, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल कोरा, बिल्कुल साफ रहना चाहिए एकदम। उसमें आपको कोई भी गंदी मतलब कागज़ को गंदा नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर आपका नंबर आता है एक्सरसाइज करने का। अब एक्सरसाइज करने के बारे में सुन लीजिए आप, इसको कैसे करते हैं। इसको आपको अपनी आंखों से 2 से 2.5 फीट की दूरी पर, आपकी अपनी आंखों के बिल्कुल सामने, ये देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ सामने बिल्कुल आंखों के सामने, ना तो आप इसके ऊपर लगाएंगे कि आपको ऐसे देखना पड़े, ना ही आप इसको नीचे लगाएंगे कि आपको ऐसे देखना पड़े। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। आप चेयर पे बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं, आप बेड पे बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नीचे बैठ के करें जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तो वो एक बेस्ट तरीका है। बाकी अगर आपको कोई पेन वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप बेड पे या कुर्सी पे जैसे आपको आरामदायक लगे, मतलब कुल मिला के ध्यान लगना चाहिए, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे बैठ के आप इसको सामने, इस पेपर को दीवार के ऊपर चिपका दीजिए या टांग दीजिए। टांगते हैं तो टांगने से पहले क्या होगा, वो चार्ट जो है ना बहुत हल्का होता है पेपर, तो उसको आप किसी लकड़ी के क्या बोलूँ यार, लकड़ी का फट्टा, क्या बोलूँ यार उसको मैं, जो भी है एक लकड़ी का बोर्ड, छोटा सा 2 सूत का 3 सूत का, अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, लकड़ी का एक बोर्ड होता है, तो उसको भी 1.5 फीट का कटवा करके आप उसको ऊपर इसको चिपका सकते हैं, नहीं तो फिर दीवार के ऊपर चिपका दीजिए इसको, ठीक है ना। ये आपको बंद कमरे में शुरू करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें आपको, कि एक तो कमरे के अंदर जो है ना रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहला नियम तो ये है, रोशनी बहुत ज़्यादा ना हो और बिल्कुल अंधेरा भी ना हो, तो मध्यम रोशनी रखनी है, मतलब हल्का लाइट रोशनी आपको रखनी है वहाँ पे, हल्की सी मध्यम रोशनी, तो उसमें आपको इसको करना है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि कमरे के अंदर जो लाइट लगी हो वो आपकी आंखों पे ना पड़े बिल्कुल भी, जैसे सामने अगर बल्ब या कुछ लगा हुआ है, सामने ट्यूबलाइट, ऊपर सामने कुछ ट्यूबलाइट लगी हुई है और इसको आपने ऐसे लगाया और सामने जो ट्यूबलाइट है ना उसकी रोशनी हमारे आंखों के ऊपर पड़ रही है, तो वैसे नहीं करना है, तो सीधी रोशनी आपकी आंखों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अब आप इसको करना शुरू करते हैं, ये आप अपने से 2 से 2.5 फीट की दूरी पर, मतलब आपने दीवार के ऊपर इसको चिपका दिया है और उस दीवार से आप 2.5 या 3 फीट की दूरी पर बैठ जाएंगे और इस गोले को, इस ब्लैक सर्कल को, इस पूरे ब्लैक सर्कल को आप टकटकी बांधकर देखना शुरू करते हैं। तो नियम ये है कि आपको ये तब तक देखना जब तक आपकी आंखों से पानी ना आ जाए। शुरुआत में हो सकता है कि 1-1.5 मिनट के बाद ही आप, ज़्यादा देर तक आंखें खुलना हो सकता है पॉसिबल ना रहे और आपकी आंखों से पानी आने लगे, आपकी आईज जो है ना वाटरिंग करने लगेगी, तब आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है, तब आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है, फिर उठ जाएंगे, आपका अभ्यास पूरा हो गया। इसमें एक नियम और है जो सबसे खास है, मतलब पहले जो मैंने नियम बताया वो ये है कि रोशनी जो है ना मध्यम होनी चाहिए, ठीक है ना, शोर शराबे में ना करें, शांत माहौल में जाके करें। दूसरा नियम होता है इसमें टाइम चूज करने का, टाइम सेट करने का, आप दिन का या रात का कोई भी एक टाइम सेट करते हैं कि मैं रात को 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे या दोपहर के 12 बजे या सुबह के 8 बजे, 6 बजे, 4 बजे मैं इसको करूँगा, लेकिन जो टाइम आप सेट करते हो फिर हर दिन वही टाइम होना चाहिए, राइट। सपोज आपने आज मॉर्निंग में स्टार्ट किया 7 बजे से, तो कल भी आपको 7 बजे ही करना है,
परसों भी 7 बजे ही करना है, तो डेली 7 बजे का एक नियम हो जाएगा। उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन ना ऑटोमेटिकली, हमारा ब्रेन जो है ना धीरे धीरे इस अभ्यास को 7 बजे करने के लिए प्रोग्राम होने लगता है। तो जैसे ही हम जैसे 7 बजते हैं तो आदत हो, हमारा ब्रेन हमको अपने आप ही तैयार कर देता है कि एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, तो मेडिटेशन करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। अभी क्या होएगा, अब आगे ये करना कब तक है, अब देखने वाली बात यह है कि इसको कब तक देखना है, इसको देखने से क्या फ़ायदा होगा। इसको देखने से फ़ायदा होगा क्योंकि जब हम अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी मेमोरी को कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो बढ़ती है ध्यान लगाने से, और ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है ध्यान लगाने का, जो बहुत ज़बरदस्त बहुत पावरफुल है। अब और ध्यान का जो है ना हमारी आँखों से एक बहुत डीप कनेक्शन होता है, हमारी आँखें जो है ना हर टाइम हिलती रहती है, वाइब्रेशन करती रहती है। जब आप आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो इनको एक जगह पर रोकना होता है। एक जगह पर रुकने का मतलब है जैसे एक जगह रुक जाएगी, आपकी सांसें भी ऑटोमेटिकली स्लोली हो जाएगी, आपकी आंखें एक जगह रुक जाएगी चुंबक की तरह बिल्कुल। और जैसे ये एक जगह पर रुक जाती है तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है आपके पाइनियल ग्लैंड से, फिर आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन हाई लेवल पर बढ़ने लगते हैं, विजुलाइजेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप जो गोल को डिसाइड करना चाहते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में हेल्थ बेनिफिट आप कुछ भी उठा सकते हैं, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, जो भी। लेकिन ध्यान से बहुत सारी शक्तियाँ हम लोगों को मिलती है और ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये मैं आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ ध्यान लगाने का। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ध्यान लगा कि नहीं लगा, क्या हुआ, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग इस ब्लैक कलर के गोले को देखना शुरू करते हैं तो हम लोगों को ना इधर से थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट कलर की रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो ब्लैक कलर का गोला है इसके ऊपर एक ग्रे कलर की परत आ जाएगी, एक दो दिन के अभ्यास के बाद ही वो आ जाती है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आप इसको जो परमानेंट देखते रहेंगे। अच्छा, गोले को देखने का एक खास तरीका होता है कि आपको इस गोले को इस तरीके से देखना है जिससे ये आपको पूरा एक बार में दिखाई दे। आपको अपनी आंखें ना यहाँ जमानी है, ना यहाँ जमानी है। आपको अपनी आंखों को कुछ इस तरीके से करना है फोकस कि आपको पूरा गोला ये एक बार में दिखाई दे। समझ रहे ना आप मेरी बात में। जैसे चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है त्राटक में। सपोज करते ये पेन, अगर मैं आपको कहूँगा इस पेन की तरफ देखिए तो आपकी नज़रें एक बार यहाँ जाएगी, एक बार यहाँ जाएगी, एक बार यहाँ जाएगी। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि आप इस पेन को एक बार में पूरा देखने की कोशिश करें और देखते रहें, तो फिर आप अपनी आंखों का फोकस, अपनी आंखों का एंगल कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये आपको कंप्लीट पेन जो है ना एक बार में दिखाई देगा। यानी कि फिर आप अपनी आंखों का फोकस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और फिर आपको ये जो पेन है फिर आपको उस तरीके से दिखाई देगा कि पूरा एक बार में दिख रहा है ना, आपका ध्यान इधर है ना इधर है ना इधर है, बस आपको पूरा एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको उस गोले को देखना है। अगर आप अपनी आंखों को इसके अंदर गड़ाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान भंग हो जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना। तो आपको पूरा गोला एक साथ में देखने की कोशिश करनी है, फिर आपकी आंखें एक जगह रुकने लगेगी। ज़्यादा तनाव यहाँ पे नहीं देना है, आप ऐसे करके भी नहीं देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती आपको करनी है तब जब आपकी आंखें बंद होने को हो, तब आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रोकने की कोशिश करें। आंखों से वॉटरिंग हो रही है, होने दो, रोकने की कोशिश करो, ठीक है ना। और जिन लोगों की आंखों में कुछ कमी है, भगवान न करे ऐसा हो लेकिन आपको मोतियाबंद हो या रोशनी बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर है आपकी आंखों की, आपको स्पेक्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप उस अभ्यास को फिलहाल ना ही करें, ठीक है ना। या फिर डॉक्टरी सलाह से आप, या फिर मुझसे बात करके मैं आपको बता सकता हूँ फिर कि आपको कैसे करना है, एक ही वीडियो में इतनी सारी बात बताना मुश्किल है, ठीक है ना। तो जिनकी आंखें सही है वो ऐसे करके देखेंगे। तो उसके बाद में क्या होएगा, एक दिन इसको देखते देखते एक समय ऐसा आएगा, इसको देखते देखते एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यहाँ से गायब हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आप एक दिन ये धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा और केवल व्हाइट कलर का पेपर रह जाएगा, बस ये चला जाएगा और आपको इस तरीके से केवल पेपर दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये आँख मिचोली खेलेगा, कभी जाएगा कभी आएगा, कभी जाएगा कभी आएगा। ये मेरे बहुत बहुत बड़े अनुभव रहे हैं, मैंने 5 लेवल तक क्रॉस किया हुआ है। तो ये तो फर्स्ट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन बात ये फैक्ट है। आप जैसे इसको देखना शुरू करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे 10 दिन 20 दिन 30 दिन, आपके ऊपर डिपेंड है। अभ्यास का कोई दिन नहीं है इसमें कि आपको 40 दिन करना है या 20 दिन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 15 दिन में कवर कर ले, हो सकता है आपको 2 महीने लग जाए, हो सकता है आप कर ही ना पाए, हो सकता है आपको सालों लग जाए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, कुछ लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा लेवल भी स्टार्ट कर दिया है, और कुछ अभी पहले वो पीरियड के हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को समझ कर देख कर
अभ्यास को, हो सकता है आपके अभ्यास में कुछ कमी चल रही हो दोस्तों, तो आप यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया उस हिसाब से आप उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको ये गोला देखना है, जब ये गायब हो जाएगा तो ये समझो आपका अभ्यास पूरा हो गया। लेकिन कब? जब ये गायब होने के बाद 1-2 मिनट तक आपको दिखाई ही ना दे, गायब ही रहे, उस दिन समझना कि आपने 2 मिनट का ध्यान लगाया है। सपोज ये 2 मिनट के लिए गायब हो गया और आया ही नहीं फिर, तो तब समझना आप कि आज आपका 2 मिनट का ध्यान हुआ है, ठीक है ना। तो उस दिन ये अभ्यास आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर करेंगे आप लेवल 2। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट आपको मैं बताऊंगा। पहला लेवल आपको करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है। 3 लेवल आप, हो सकता है 2 महीने में कर जाए, 3 महीने में कर जाए, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 2 महीने में आप कवर कर लें। तो ये पहले लेवल के अभ्यास बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ थर्ड लेवल जब आता है, तीसरे लेवल को जब आप करना शुरू करते हैं, तो आपकी आंखों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी हिप्नोटिक पावर आ जाती है ऑटोमेटिकली, कि आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, आपकी बातें लोगों को अच्छी लगने लगती है ऑटोमेटिकली। यानी कि जो आपका ऑरा होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको साइंस में प्रूव किया जा चुका है, ठीक है, तो वो दायरा ना बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। और आप जब लोगों के साथ में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है आपका कोई दुश्मन रह पाता है, सब लोग आपके फ्रेंड बन जाते हैं और सभी पॉजिटिव चीज़ें, घटनाएं आपके साथ में घटती हैं। तो ये था दोस्तों त्राटक लेवल 1। अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ आपको, हाँ मेरे याद आया, मैं एक चीज़ बताने भूल गया था आपको दोस्तों, सॉरी। जब आप इसको देखना शुरू करते हैं और आपके आंखों से पानी आने लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 3 नियम मैंने आपको बताया। पहला, कमरे के अंदर, रूम के अंदर जहाँ पे अभ्यास हो करेंगे, रोशनी कम रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। दूसरा नियम ये है कि आप एक टाइम सेट करेंगे, कोई भी टाइम, और फिर वो वही टाइम फिक्स रहेगा आपके अभ्यास करने का। और दूसरा वो सॉरी तीसरा तीसरा नियम ये है कि जब आपकी आंखों से पानी आने लगे, ये अभ्यास आप कर रहे हो, आपने 2 मिनट तक देखा और आपकी आंखों से पानी आने लगा, तो आप जो है ना थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके बैठ जाइए, फिर अभ्यास को स्टॉप कीजिए और जाइए वहाँ से उठ करके, और अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना ना भूले। आपको अपनी आंखों से, ठंडे पानी से आपको आंखों में ऐसे छपके मारने, ठीक है ना, ऐसे छपके मारने, ताकि आंखों को ठंडक मिले। क्योंकि जो वो निकलता है ना पानी इस अभ्यास के बाद में, वो बड़ा गर्म गर्म ऐसे बड़ी गर्मी निकलती है उसके अंदर से, आँखें खराब होने का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो, दो तरीके हैं। अगर आपने पानी से आंखों को नहीं धोया, तो आपकी आंखों की रोशनी जो है ना धीरे धीरे वीक होने लग सकती है। लेकिन अगर आपने ये वाला चीज़ कर रहे हो आप प्रॉपर, ठीक है ना, अभ्यास के बाद हमेशा अपनी आंखों में ठंडे पानी से छपके मारते हैं, तो फिर आपकी रोशनी अगर कम भी आँख होगी, तो आपकी रोशनी बढ़ने लगेगी, सिर्फ इस चीज़ को ही ध्यान रखने से। तो यही 3 नियम है। बाकी आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। सुबह नहा धो के करना है, ये भी कोई नियम नहीं है। आपका जब मन करे, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं रिकमेंड करूंगा कि त्राटक करने से पहले, जस्ट पहले, अपना मुंह धो के या नहा के ना जाए। जब हम लोग पानी अपने शरीर के ऊपर मार लेते हैं या मुंह के ऊपर मार लेते हैं, हम लोग सोचेंगे मैं तो कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, त्राटक करने जा रहा हूँ, तो मुंह को धो करके जब जाऊँगा, तो उसमें जब पानी की ठंडी ठंडक हम लोगों के ऊपर पहुँचती है ना, तब हम आँख खोलने की कोशिश करते हैं उसको देखने की, तो हमारी आँखें बहुत जल्दी जल्दी चपकने लगती है, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभ्यास से पहले आपको मुँह नहीं धो के जाना, ठीक है ना, उसके बाद में आपको अपनी आँखों पर चपके मारने जरूर। तो ये हो गया दोस्तों लेवल 1। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन शायद हो सकता है आप लोगों को सुन के मजा आया हो, क्योंकि पहला लेवल है। और मैं चाहूँगा कि इस लेवल को सभी लोगों को आज से ही शुरू कर देना चाहिए। इस स्टडी में ये इतना हेल्प करता है। आज तक मेरे पास जितने लोगों के कॉल आए हैं, जो पहले से त्राटक करते थे, कहीं ना कहीं बिंदु त्राटक के हो या कैंडल त्राटक के हो, सभी ने बताया कि सर आज मेरे जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, जो भी मेरी मेमोरी है, वो सिर्फ त्राटक को करने से है। क्योंकि इससे हम लोगों का दिमाग एकाग्र होता है, ध्यान लगाने से हमारे अंदर के जो दिमाग के जो ब्लॉकेज है वो ओपन होने लगते हैं, थर्ड आई सक्रिय होने लगती है। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों, और इसके बाद में फिर मैं लेके आऊँगा त्राटक लेवल 2। और बीच में आपके लिए और भी कई न्यूज है मेरे पास में, वो भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके अगर कुछ रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इनकेस अगर आपको मेरे मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है व्हाट्सएप के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइबर के बिल्कुल पड़ोस में एक बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उसको पर भी क्लिक कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको एकदम से मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आने वाले टाइम में आपको बहुत बेमिसाल एक्सरसाइज मिलने वाली है मेरे पास वीडियो
या सब्जेक्ट या एक्सरसाइजेज ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिए, आपके बहुत काम आएंगे। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।